कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए। और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लोकसभा चुनाव के सरगर्मियां काफ़ी तेज है, ऐसे में लगातार तमाम नेता हैं जो वार अब पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसते हुए दिख रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इन लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहते हैं कि धर्म खतरे में है। कहाँ धर्म खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, कई स्टेट के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, ऐसे में धर्म कहाँ खतरे में, जिसको लेकर तमाम सत्ता पक्ष के नेता हैं जो तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिख रहे हैं। पहले क्या कुछ करें तमाम नेता, पहले सुन बातों को। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश के PM भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तब भी ये लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह की बात करते हैं, इसलिए उनके इस बात में कहीं से कोई, उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि क्या बोले, तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं, आ रहे हैं तो चुनावी दौरा में हैं, कई जगह आए हैं, आज आ रहे हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं। सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बेरोजगारी की हो, पलायन की हो, तमाम मुद्दे को लेकर बातें किए थे क्या? अरे, उन लोगों का जो वादा था वो लोग कहाँ किए 15 वर्ष में, पूरा बिहार में जब सत्ता मिली पहले तो उनका जवाब देना चाहिए। RJD की सरकार रही 15 वर्ष में, उन लोगों ने क्या किया, इसलिए उन लोगों के कोई सवाल में कोई दम नहीं है। तथ्यहीन है कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। देखिए, पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। सेना का जो अध्यक्ष है वो हिंदू, तो कैसे हिंदू खतरे में है? तेजस्वी यादव ने सवाल किया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं धर्म खतरे में है। अरे, अगर कोई बेबुनियाद बात करिए तो जितना बेबुनियाद बात करना गलत है उतना ही बेबुनियाद बात को इस तरीके से आप लोग के माध्यम से प्रचारित करना भी उचित नहीं। तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए। और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा। मंगल पांडे जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि जो राज्यपाल बीजेपी को जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं देती हैं जिसमें उनके मंत्रियों के घरों पर रुपए पकड़े गए? उनका जवाब क्यों नहीं देती जो अपराधी जेल में गए और वो TMC के नेता हैं? उसका जवाब क्यों नहीं देती जो TMC के नेता अपराधी हैं, जिन लोगों ने वहाँ की माँ बहनों की सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उसके बारे में ममता बनर्जी क्यों नहीं बताती? ममता दीदी ये क्यों नहीं कहती कि जो शेख शाहजहाँ, जिसने पूरा संदेश खाली में उत्पात मचाया, उसके समर्थन में वो न्यायालय में उनकी सरकार क्यों लड़ने के लिए जा रही है? बंगाल की जनता इन बातों का जवाब चाहती है और ममता दीदी विषयों को इधर उधर करना चाहती हैं।
इस बार जनता बहुत साफ है, ममता दीदी को मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और नहीं देने पे जनता वोट देगी उनके खिलाफ। यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी युवाओं के 60% बढ़ गई है और उनका भविष्य खतरे में। युवाओं के रोजगार और युवाओं की नौकरी की चिंता एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर रही है। तेजस्वी यादव जी को अपनी चिंता करनी चाहिए, जो रोजगार उनके घर में बढ़ता रहता है उस रोजगार की वो चिंता करें। बिहार के नौजवानों को पूरी तरीके से मालूम है कि नौकरी देना हो या रोजगार देना हो, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है वही दे रही है, वही देगी। और इस बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए तक का जो लोन था उसको अब बिना गारंटी के बढ़ा के 20 लाख कर दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे और लगातार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए, बांटे गए, ये तो पीछे से आके खड़े हो गए थे और दावा करते। तो आपने सुना तमाम नेता किस तरह से तेजस्वी आस्था पर बरसते हुए दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे मुद्दा बना रहे हैं, इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, ऐसा कहना है तमाम नेताओं को। और वहीं तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसते हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता यानी एनडीए के भी नेता हैं जो लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, चुनावी सभा में जा रहे हैं और लगातार विपक्ष पर भी हमलावर दिख रहे हैं। तमाम खबर न्यूज़ 24 के साथ, नमस्कार।